हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत, एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और ये वीडियो 100% आपके अंदर के एक्साइटमेंट के लेवल को कई गुना बढ़ा देगी माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। यस, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी सोसाइटी में एक अलग इमेज बनाना चाहते हैं जिससे कि आप अपने लोगों में लोकप्रिय हो जाएं, फेवरेट बन जाएं सबके, तो माय डियर फ्रेंड्स, एज ए लीडर आपको इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो एक लीडर के अंदर होती है वो होती है, लीडर ऑलवेज बिलीव इन मेकिंग लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। यस, लीडर हमेशा लीडर्स को डेवलप करने का कोशिश करता है, ना कि फॉलोअर्स। क्योंकि अगर उसने फॉलोअर्स क्रिएट कर दिए माय डियर फ्रेंड्स, तो फॉलोअर्स लीडर्स को आगे क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लीडर्स के थॉट्स को आगे नहीं पहुंचा पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूं जो लोग इस चैनल को प्यार देते हैं, इतना लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी अपनी फील्ड में, अपने एरिया में एज ए लीडर लोगों के बीच में जाने जाएं माय डियर फ्रेंड्स। तो लीडर हमेशा बिलीव करता है अपने से बेहतर लीडर्स को क्रिएट करने में, क्योंकि जब वो लीडर क्रिएट करता है तो वही लीडर और लीडर्स को क्रिएट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज, लीडर ऑलवेज बिलीव इन मेकिंग लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। यस, और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो एक लीडर की क्वालिटी होती है, टेक ए चार्ज। यस, लीडर हमेशा चार्ज लेने के लिए तैयार रहता है, यानी कि इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहता है। अगर आप किसी ग्रुप में हैं, किसी टीम में हैं, और आप एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं, एक मिलके काम कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले माय डियर फ्रेंड्स चार्ज लेने का, तो आगे से आके आप इनिशिएटिव लीजिए और अपने आप को प्रूफ करिए कि यस, आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है। तो कभी भी पीछे मत हटिए। अगर आप अपने ग्रुप में अपने आप को एक अलग दिखाना चाहते हैं, एज ए लीडर प्रूफ करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमेशा चार्ज लेने की हैबिट अपने अंदर डालिए। यस, फ्रंट लीजिए, फ्रंट से लोगों को लीड करिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। यस, और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो लीडर की एक खासियत होती है, लीडर इज ऑलवेज ए गुड स्पीकर। यस, क्योंकि लीडर के जो थॉट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो लोगों तक पहुंचाना उसका काम होता है, कि वो अपने थॉट से, अपने वर्ड से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी स्पीकिंग पावर से लोगों को इंस्पायर कर पाए। बट अगर आपके अंदर एक अच्छी स्पीकिंग पावर नहीं है, एक अच्छी स्पीकिंग क्वालिटी नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक लीडर की क्वालिटी होती है कि जब भी वो 50-100 लोगों के बीच में बोलता है तो उसकी छवि, उसकी इमेज एकदम अलग नजर आती है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो यू शुड बी ए गुड स्पीकर। यस, और चौथी सबसे बड़ी चीज जो एक लीडर के अंदर होती है, लीडर इज ऑलवेज ए गुड लिसनर। यस, लीडर हमेशा अपनी टीम की लोगों की प्रॉब्लम्स, उनके सजेशंस, उनकी एडवाइस को सुनता जरूर है। लीडर कभी भी अपने डिसीजन को इम्पोज करने में बिलीव नहीं करता। मैं देखता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो अपने डिसीजन को अपनी टीम में, अपने लोगों में इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जोर जबरदस्ती उनसे मनवाने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अवेयर होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। इस चक्कर के चलते आप अपनी लोकप्रियता को ख़त्म कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप एक टीम को इनिशिएट कर रहे हैं, आप अपनी एक टीम को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो आपका पूरा हक बनता है अपनी टीम के सजेशंस, एडवाइस को सुनने का। तो लीडर इज ऑलवेज ए गुड लिसनर। यस, और सबसे बड़ी क्वालिटी जो लीडर की होती है, जब आप एज ए लीडर एक ग्रुप को, एक टीम को लीड करते हैं, और आपको पता होता है आपकी टीम में कौन से टीम मेंबर्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेसेस हैं। यस, फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी टीम का हिस्सा हैं या मैं आपकी टीम का हिस्सा हूं और आप मेरी टीम के लीडर हैं माय डियर फ्रेंड्स, और मैं एक ग्रुप में बैठा हुआ हूं, एक मीटिंग में बैठा हुआ हूं, एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ हूं, और मेरे अंदर
कोई वीकनेस है या मेरी स्ट्रेंथ है जो कि आपको पता है, एज ए लीडर आप मुझे वॉच कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आप कभी भी अपने टीम के उस मेंबर की वीकनेस को बहुत सारे ग्रुप में, एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस में कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अक्सर हम ये करते हैं कि जाने अनजाने में अपने टीम के मेंबर्स की वीकनेसेस को शो करके हम उनकी ईगो को हर्ट कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसका जरूर ध्यान रखें, अगर आपकी टीम के अंदर कोई व्यक्ति के अंदर कोई कमी है, कोई वीकनेस है, कोई वो गलती कर रहा है, तो उसको आप अकेले में ले जाके गाइड करिए माय डियर फ्रेंड्स। लीडर कभी भी बहुत सारे लोगों के बीच में किसी की भी वीकनेस का मजाक नहीं बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। यस, और दूसरी चीज, अगर आपके किसी भी टीम मेंबर के अंदर आपको कोई स्ट्रेंथ नजर आती है कभी भी, तो आपको कभी भी मौका नहीं चूकना है माय डियर फ्रेंड्स, उसको ग्रुप के अंदर, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक मीटिंग के अंदर, एक वर्कशॉप के अंदर सब लोगों के बीच में अप्रिशिएट जरूर करना है। यस, जब आप सब लोगों के बीच में उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी वैल्यू और अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है और वो आपसे इंस्पायर होता है और कोशिश करता है अपने आप को बेटर करने की। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अपने टीममेट्स की वीकनेसेस को बहुत सारे लोगों के बीच में शो ना करें, अकेले में ले जाके उनको समझाएं, और अगर कोई उनकी स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ को सभी लोगों के बीच में प्रेजेंट करें माय डियर फ्रेंड्स। यस, और सबसे बड़ी चीज़ जो एक लीडर करता है अपनी टीम के लिए, वो चीज़ है एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन। यस, आपको समय समय पे अपने टीम के एक्टिव लीडर्स को, टीममेट्स को एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप फॉलोअर्स नहीं, धीरे धीरे अपनी टीम के अंदर लीडर्स को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यस, और लीडर की सबसे बड़ी खासियत, लीडर हमेशा गुड ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करता है। यस, गुड ड्रेसिंग सेंस, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बट आप की अपेयरेंस, आपकी पर्सनालिटी उन बातों को मैच नहीं कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, लोग आपसे इंस्पायर नहीं होने वाले हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब एज ए लीडर आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, अगर कोई एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी टास्क को, तो आपको अपनी अपेयरेंस को ज़रूर ध्यान में रखना है। यस, और साथ के साथ जो लीडर होता है वो अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे एक लीडर के अंदर क्वालिटी इन बिल्ट होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप कभी भी एक बहुत बेहतर लीडर नहीं बन पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप अपनी टीम को लेके बिल्कुल ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, कभी भी अपने टीम के लोगों के बीच में पार्शियलिटी ना करें। इससे आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को लोगों के बीच में ख़त्म कर सकते हैं। तो कभी भी पार्शियलिटी ना करें, सबको इक्वल लेके चलें और अपने ग्रुप के प्रति, अपनी टीम के प्रति एकदम ऑनेस्ट रहें और रिस्पॉन्सिबल रहें। यस, तो हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स आज आपको ये सारी क्वालिटीज जो एक अच्छे लीडर की है मैंने आपको बताई, और आपको ये क्वालिटीज जरूर अच्छी लगी होंगी, और आप इन वीडियो से अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को डेवलप करने वाले हैं और एज ए गुड लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक छाप छोड़ने वाले हैं। तो मेरी गुड विशेज आप सभी लीडर्स के साथ है, और थैंक यू वेरी मच। आप हमारी इतनी सारी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अगर अगर आज भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन लोगों को आप अपनी टीम में एज ए फ्यूचर लीडर देखना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।